और अभी तक हम वैसे जो लेक्चर जो मैं आपको डिलीवर कर रहा था वो टॉपिक वाइज थे, बट अब जो मैं लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ वो पुराने प्रीवियस जो पेपर्स आए हुए हैं अपने, जो लास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक्चुअली बच्चों की डिमांड थी कि पुराने पेपर्स जो थे जो आए हुए हैं 2016 से अब तक उनको डिलीवर कीजिए सर। तो मैंने डिमांड पर ये जो वीडियो है वो आपको बनाया है। अब देखिए बात करते हैं हम पावर सिस्टम के बारे में, जो कि सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल का एक बहुत ही बड़ा बहुत ही अच्छा मजेदार सब्जेक्ट है। 207 सब्जेक्ट कोड पॉलिटेक्निक एग्जाम के सिलेबस में, और ये बीटेक में भी आता है पावर जनरेशन के नाम से। तो उसके रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। देखो बात इसमें ये है कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपके पास सबसे पहले ये 3 घंटे का आएगा और इसके मार्क्स रहेंगे मैक्सिमम 70। अब इसमें कंडीशन ये होगी आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो दिया हुआ है वो कंपलसरी है, उसके अलावा आप कोई से भी 5 क्वेश्चन 5 पुट कर सकते हैं। आपको टोटल 6 क्वेश्चंस पुट करने हैं, फर्स्ट आपको कंपलसरी है, उसके बाद आप 5 क्वेश्चंस कोई से भी पुट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 8 है। कुल मिला के कहने का मतलब इसमें से 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। तो ये था पैटर्न, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें 12 मार्क्स के हैं, फर्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का है। ठीक है, तो हम लेने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। एक्चुअली 40 पेजेस की आपकी कॉपी आती है, उसको आपको फिलअप करना होता है। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है जीवाश्म एवं नाभिकीय ईंधन में तुलना कीजिए। उसके बाद इसने दिया हुआ है सेकंड में ड्राफ्ट सिस्टम एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट के अंदर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, देन वो पूछ रहे हैं सोलर स्टील को समझाइए, एंड फिफ्थ पार्ट है इसका बायोगैस को आप एक्सप्लेन कीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बायोगैस। तो हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब लेते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है जीवाश्म ईंधन और नाभिकीय ईंधन में तुलना कीजिए। अब देखिए जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जीवाश्म का मतलब होता है जीवों का अंश, यानी कि ऐसे ईंधन जिस जो जीवों के अंश के द्वारा बनते हैं, यानी कि जिन्हें किसी तरह से सड़ाया जाता है या फिर प्रकृति से प्रदत्त होते हैं या नेचुरल में जो नेचर में अवेलेबल है बट वो जमीन के अंदर है, जिनकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर बायोलॉजिकल कुछ पार्ट्स होते हैं जो जीवों के होते हैं जिनके द्वारा वो बना होता है, जिसे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। अब ये क्या है कि एक्चुअली नेचर के द्वारा अवेलेबल है, प्रकृति प्रदत्त है, ह्यूमन मेड नहीं है, मॉडिफाइड नहीं है। तो जो प्रकृति से प्रदत्त होता है वो एक ना एक दिन जाके खत्म हो जाता है, प्रकृति में असीमित मात्रा में तो होते नहीं है चीजें। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्रकृति से जो प्रदत्त साधन है उनका हम उपयोग करें, बट जितना जरूरत हो उतना ही हमें यूज करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, उनका एक समय पे जाके वो खत्म हो जाएंगे, चाहे वो लकड़ी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो या केरोसिन हो, कुछ भी हो। तो जीवाश्म ईंधन की बात करें, जीवाश्म ईंधन में एग्जाम्पल में आते हैं जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या हम बोल सकते हैं मिट्टी का तेल भी होता है। कई रूपों में यह जीवाश्म ईंधन होता है, जिसका उपयोग मैं बता दूं आपको किस तरह से करते हैं। उपयोग तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे रसोई में खाना बनाने के लिए, रोशनी के लिए, या दैनिक जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए ईंधन का उपयोग करते हैं, गाड़ी पेट्रोल में चलाने के लिए। अब बात करते हैं उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति करोड़ों साल पहले हो गई थी, और ये नेचुरल जो नेचर में अवेलेबल है जमीन के अंदर या झील नदी के नीचे, जैसे गैसों के रूप में किसी भी तरीके से हो सकते हैं, जो उच्च ताप एवं दाब के कारण ईंधन बन जाते हैं, जो कि पेट्रोल और डीजल के रूप में हम देख रहे हैं। अब इसका जो महत्व है वो महत्व आपको समझा देता हूँ। इसको क्या होता है कि रिन्यूएबल नहीं है ये। रिन्यूएबल का मतलब होता है रीयूज, यानी कि यूज करने के बाद फिर से उसका यूज कर लेना। तो नेचर में अवेलेबल है तो एक ना एक दिन जाके खत्म हो जाएगा, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ये हैं, एक समय पे जाके खत्म हो जाएंगे, इन्हें बार बार यूज हम नहीं कर सकते। अब देखिए वातावरण पे क्या फर्क होगा, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या लकड़ी हो गई,
या किसी भी तरह का कोई फ्यूल हो गया जो जीवाश्म ईंधन के रूप में है, तो यदि हम उसे यूज करेंगे, जलाएंगे, वर्क में लेंगे, तो क्या होगा? प्रदूषण फैलेगा। जैसे हम दिल्ली का आज एग्जाम्पल लेते हैं, दिल्ली में इतनी गाड़ियां हो गई कि वहां पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, दिल्ली का जो एटमोस्फियर है बहुत ज्यादा खराब हो गया, वहां पे प्रदूषण बहुत ज्यादा है। तो वो इसीलिए है कि तापमान वहां का बढ़ता जाता है यदि हम इसका यूज एक सीमित मात्रा से ज्यादा मात्रा में करें तो। अब बात करते हैं नाभिकीय ईंधन। नाभिकीय ईंधन हम पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बोला जाता है, परमाणु के द्वारा प्रदत्त, ये यूरेनियम के द्वारा हम बिजली पैदा करते हैं। एक्चुअली यूरेनियम पे हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का स्ट्राइक कराते हैं, तो वहां से एनर्जी निकलती है, और साथ में क्या होता है कि न्यूट्रॉन भी वो रिलीज करेगा। अब बात करते हैं यूरेनियम कहाँ प्राप्त होता है। यूरेनियम भूगर्भ से यानी कि जमीन के अंदर प्राप्त होता है, खुदाई में। उसको तैयार करने के अंदर काफी समय लगता है, उसको प्राप्त किया जाता है खनन से, मिलिंग से, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में या किसी भी तरीके से उसको यूज करने के हिसाब से काम में लिया जाता है, उसको साफ किया जाता है, संवर्धन किया जाता है उसका, उसके बाद उसको यूज में हम ले सकते हैं। अब बात करते हैं ड्राफ्ट सिस्टम। ड्राफ्ट सिस्टम जो है, वायुमंडल के अंदर जो एटमोस जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर के बीच का जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं, और यह जनरली बॉयलर के अंदर भी काम में आता है। एक्चुअली कई प्रकार का होता है, लेकिन हम दो ही डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि जो दबाव है, उस दबाव के कारण जो हवा है, जो एयर है, वो बनाए रखने के लिए हम ड्राफ्ट सिस्टम को यूज में ले रहे हैं, यानी कि वो जो अंतर है उसको वो लिमिट में कर देगा, कंट्रोल में कर देगा। उस वजह से वो एटमोस्फियर में क्या होता है, वो उसके अंदर हवा बनाए रखने के लिए काम में आता है। अब क्या करते हैं, दूसरा होता है नेचुरल ड्राफ्ट। गर्म फ्लू गैस और कूलर के घनत्व के बीच जो अंतर होता है, उसके कारण क्या होता है, फ्लू गैसें बहती है। घनत्व में अंतर के कारण एक विभेदक बनता है जो गर्म गैसों को क्या करता है, रूपांतरित कर देता है। अब आता है अपना फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जो कि बोलते हैं नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, यानी कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को समझाइए। अब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होता है कि जब किसी भी न्यूट्रॉन पर हम नाभिक पर न्यूट्रॉन का आघात कराते हैं किसी नाभिक पर, तो क्या होता है, वो दो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, साथ में एनर्जी रिलीज करेगा, और उसके साथ ही वो दो या तीन न्यूट्रॉन जो है वो देगा। अब फिर तीन न्यूट्रॉन जो उससे निकलेंगे, ले हम एक न्यूट्रॉन रहे जो नाभिक पर अटैक कर रहा है, उसके बाद दो छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है वो यूरेनियम, एक न्यूट्रॉन हमने शुरू में लिया था उसके रिएक्शन कराने के लिए, और वो बाद में क्या हो देते हैं, तीन न्यूट्रॉन दे देता है, वो तीन न्यूट्रॉन फिर से स्ट्राइक करते हैं, और तीन न्यूट्रॉन से नौ न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर वो नौ स्ट्राइक करेंगे और 27 चलेंगे। यानी कि ये इक्वेशन क्या हो जाता है कि बढ़ती जाती है, और आगे जाके उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तो विनाशकारी रूप भी ले सकता है, कई जगह ब्लास्ट भी हो सकता है, विनाशकारी है बहुत ज्यादा। इक्वेशन देख रहे हैं हम, न्यूट्रॉन का स्ट्राइक कराया है यूरेनियम पर, लैंथेनम ब्रोमीन में टूटा वो, और तीन न्यूट्रॉन उसने रिलीज किए। बाद में आता है सोलर स्टील। अब देखिए सोलर स्टील क्या करता है, सोलर स्टील पानी अवेलेबल कराता है पीने के लिए, जहां भी गंदा पानी होता है उसे फिल्टर करने के लिए सोलर स्टील यूज में लिया जाता है, एज अ फिल्टर यूज में लेते हैं। पानी में कई प्रकार की डिजोल्ड अनवांटेड चीजें होती है जो घुल जाती है, अशुद्धियां होती है, जिसे साफ करने के लिए फिल्टर की जरूरत होती है। सोलर स्टील उस पानी को क्या करता है, सेपरेट आउट कर देता है, अनवांटेड चीजों को सेटल डाउन हो जाती है चीजें, उसके बाद वो पानी को पीने लायक बनाता है। यानी कि जहां पे गंदा पानी होता है या अशुद्ध पानी होता है या नालों का या कई प्रकार के पानी होता है, बारिश का पानी, जिसे साफ करने के लिए हम सोलर स्टील का यूज किया जाता है। अब ऐसे एरिया में किया जाता है कि जहां पर क्या होता है कि पानी अवेलेबल नहीं है, कुएं नहीं है, तालाब नहीं है, झील नहीं है, पानी नहीं है पीने का, तो वहां पर किस तरीके से पानी को पीने योग्य बनाया जाए, तो वहां पर सोलर स्टील का यूज ले सकते हैं हम। सोलर स्टील सोलर से चलता है, जो सोलर प्लेट से लगी होती है, पानी शुद्ध करता है ये, जैसे बारिश का पानी हो गया या पाइप का पानी, जमा पानी हो गया, उसको साफ करने के लिए सोलर स्टील का हम यूज कर सकते हैं। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने समझा। एक पार्ट और है जो मैं समझा देता हूँ आपको, बायोगैस
बायोगैस क्या होता है कि मनुष्य जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ का एक मिश्रण होता है जिसको सड़ाकर हम गैस जनरेट करते हैं, और ये रिएक्शन जो होती है सूर्य और वायु की अनुपस्थिति में होती है, जिससे क्या होगा 70% मिथेन गैस बनेगी और 30% कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब इसके गुणधर्म में बात यह है कि 70% मिथेन गैस बनती है, 30% कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसका जो घनत्व होता है डेंसिटी वो 0.9 होता है, अराउंड 1। तो जो गोबर पानी का जो मिक्सचर हम लेते हैं जिसे स्लरी बोलते हैं, ये 1:1 होता है, और इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है 4700 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेकंड थर्ड क्वेश्चन को लेके आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।